नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। बात तो भाई क्या करेंगे, मेरे विचार हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये विचार आते कहां से मेरे पास? मैं कोई राइटर तो होने की दिन में लिखता रहता हूं, शाम को या सुबह आपको टाइम मिले तो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ये विचार आपके थ्रू मेरे पास आते हैं, और कहां से आते हैं? प्रैक्टिकल। ये थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं कि सुनी सुनाई बातें, नहीं, प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पर, एक बंदा विदेश पहुंच जाता है और उसको प्रॉब्लम होती है, इंडिया वापस आ जाता है। ये इंडिया में मान लीजिए, यानी मैं बात करूंगा आज की हांजी की नौकरी और नाजी का घर। आपने कहावत सुनी होगी, और नहीं सुनी तो भाई जरूर सुन ले। अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा नौकरी करनी है तो हाँ हाँ करनी पड़ेगी, ना ना करोगे तो घर भेज देगा अगला, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी में भी क्यों ना हो। आप कलेक्टर हो ना, तो भी अगर सरकार के आदेश नहीं माने, अपने सीनियर का आदेश नहीं माने, तो यू आर सस्पेंडेड, यू आर टर्मिनेट। इतना ही टाइम लगता है, आपको पता होगा। आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं ना कि फलाना आईपीओ हो गया, उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे एसपीओ, सब पे नियम लागू होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी का मतलब नौकर, और नौकर का मतलब हाँ ना नहीं, कड़वी सच्चाई है। अगर आप विदेश जा रहे हो ना, तो भाई आप नौकर की तरह जा रहे हो। आप वहां पे एजेंट को लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख दे के आप एहसान नहीं कर रहे हो एजेंट पे। ये बात हमेशा नोट रख लें, एजेंट को पैसा दे के कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप। आप अपने स्वार्थ के पेटे दे रहे हो। हाँ, उसका कमीशन है, वो उसकी रोजी रोटी है, वो उसका बिजनेस है, वो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो तो बिजनेस कर रहा है, लेकिन आप तो नौकरी के लिए जा रहे हो ना, तो नौकरी में हेगड़ी किस बात की यार। ये वर्ड मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास कॉल आते हैं, मैं थ्योरी देखता हूँ, हमारे इधर भी है। मैं सब हर इंसान उस इंसान पे लागू होती है जो एजेंट को पैसा दे के ये समझता है कि मैं तो बादशाह का बेटा हूं। बिल्कुल ये माइंड से निकाल दे भाई। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको नौकरी करनी है, तो भाई हाँ ही करनी पड़ेगी। ना करोगे तो अगला घर भेज देगा, फिर एजेंट से आके माथापच्ची करते रहना। अगर एजेंट गलत होगा तो उसको समाधान आपका करना पड़ेगा, आप गलत होगे तो आराम से बैठ जाओ, कोई पैसा देने वाला नहीं है। ये बात दिमाग से बिठा लो, क्योंकि हर चीज का एविडेंस होता है, हर चीज का एविडेंस होता है। अगर आप गलती करके विदेश से वापस आकर एजेंट से पैसा मांगोगे, तो अगला डॉक्यूमेंट मंगवा लेगा वहां से कि आपने क्या गलती की है, अगला सबूत रख देगा। समझ गए? तो आप क्या बोलोगे? आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, महीने भर पहले यहां से बंदा गया वहां पे, और उसने उस शोरूम में उसने जॉब कर लिया, और उसने वहां पे चोरी कर लिया। अब उसको दिमाग नहीं है कि दुबई में हर जगह सीसीटीवी लगे होते हैं, ऊपर से भगवान देख रहा होता है। वो कैच हो गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, मुकदमा लग गया, इंडिया घर आ गया, एजेंट से पैसा मांग रहा, एजेंट कहां से पैसा दे देगा? समझ रहे हो बात को? तो ये कुछ चीजें हैं। तो मैं बता दूं, अगर आपको विदेश में या इंडिया में कहीं पर भी नौकरी करनी है, तो आप मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वीजा है, टिकट है, जॉब है, नौकरी सब कुछ है, आप वहां पहुंच गए दुबई, कतर, कहीं यूरोप कंट्री में, तो ये तो एक पार्ट हो गया, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, जॉब और नौकरी, ये तो एक पार्ट हो गया जो हर आदमी के पास होना चाहिए। इसके बिना तो स्टार्ट ही नहीं होती नौकरी। विदेश की बात करें तो, इंडिया की बात करें तो एक अलग इश्यू है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन होता है साथियों, आपके पास ईमानदारी होनी जरूरी है। अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, ईमानदारी से काम करिए, कोई माई का लाल आपको चैलेंज नहीं कर सकता। ईमानदारी, हाँ ईमानदारी में प्रॉब्लम आ सकती है। आप 10 लोग काम कर रहे हो, आप ईमानदार, 9 आदमी ईमानदार है, 1 आदमी गलत कर रहा है ना, तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो लास्ट में जो गलत कर रहा है ना, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे 6 महीने, साल भर बाद में। इतने चोरी कितने दिन ठीक है, कि ज्यादा दिन नहीं ठीक है। ईमानदारी से काम करिए, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड पर की बात करें, तीसरे नंबर पॉइंट पे, आपका अनुभव आपको आपके काम को महान बनाता है। यानी आपके पास अनुभव है, और उस अनुभव के साथ आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है साथियों। नौकरी के बता रहा हूं कि नौकरी करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऊपर वाले डॉक्यूमेंट मैंने बताए, दूसरी बात आपको ईमानदारी, तीसरी बात अनुभव आपके पास होना चाहिए। अब लोग वो कमेंट कर देंगे, सर अनुभव तो काम करने से, बिल्कुल काम करने से आता है। नौकरी में आप काम करोगे तो अनुभव होगा, तो आपकी नौकरी और ज्यादा प्रमोशन मिलेगा आपको, आपकी सैलरी बढ़ेगी, ये कुछ चीजें होती है। समझ रहे हो बात को? समय पर पाबंदी जरूरी है। अगर आपकी नौकरी 8 घंटे की, 9 घंटे की है, तो समय पे पहुंचो। हाँ, 10 मिनट पहले नौकरी मत छोड़ो। आपका टाइम जैसे शाम 5 बजे का, तो 4:50 पे नहीं, 5:10 पे जॉब छोड़ो आप। ये सक्सेस होने के मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। सीनियर को फॉलो करें। 5 नंबर पे मैं बता रहा हूँ साथियों, सीनियर आपका जो अधिकारी है, वो आपका, आप उसके कंट्रोल में हो। चाहे आप घर में अपने घर वालों को है ना कुछ भी बोलते होंगे, अपनी मनमर्जी करते होंगे, जहां पे नौकरी, नौकर वर्ड आ गया ना, तो आप वहां पे नौकर हो, ऊपर वाला सीनियर है वो आपका,
उसके कहने में आपको चलना पड़ेगा। जो आपको वो बोलेगा, जो आपको टाइम, जो काम देगा, जो प्रोजेक्ट देगा, जो आदेश देगा, वो उनको आप फॉलो कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी हो। आपने देखा राजनीति में बात कर ले, हर आदमी एक दूसरे के नीचे दबा हुआ है, समझ रहे हो ना। एक विधायक है ना, वो मंत्री से दबता है, मंत्री किससे दबता है, पीएम से दबता है, मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री किससे दबता है, केंद्र गवर्नमेंट, ऊपर जो अधिकारी आका बैठे हैं उनसे। हर इंसान एक दूसरे से दबाव होता है, चाहे उसका कितना ही बड़ा पोस्ट क्यों ना हो। ठीक है साथियों, सीनियर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपना काम, अपनी नौकरी, अपना घर, यानी आपका जो काम है ना, उसको अपना अपना काम समझ के आप कीजिए। ये नहीं कि यार अपनी तो नौकरी है, बस टाइम, बस टाइम, घड़ी में टाइम देखते रहते, हाँ 2 बज गए 3 बज गए 4, ऐसा नहीं है भाई। ये थोड़े टाइम के लिए आप खुश रह सकते हो। अगर लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम आपको सक्सेस होना है, अच्छी जॉब में तरक्की करनी है, तो अपनी नौकरी, अपना काम समझ के आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उस नौकरी से आपका घर चलता है, आपकी रोजी रोटी है। तो उसको आप दिमाग से नहीं, दिल से कीजिए। अगर दिल से करोगे तो सक्सेस 100% हो जाओगे। आप में धैर्य होना चाहिए। अगर कोई आपको ऊपर नीचे बोल भी देता है तो आपको शांति रखनी है माइंड में, क्योंकि आपकी उस टाइम परीक्षा हो रही है। शांति रखोगे, धैर्य रखोगे, तो 100% आगे जाओगे, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि गुस्सा है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। गुस्सा एक मिनट में आप पता नहीं इंसान क्या कर दे, उसका लाइफ खराब हो जाए। सुना होगा ना, आदमी एक दूसरे को मारता है तो गुस्से में ही तो मारता है ना, हंसते हंसते थोड़ी मारता। किसको देखा है कि हंसते हंसते गोली मार दी, आज तक नहीं हुआ। गुस्से में बहुत कुछ हो जाता है अनर्थ। तो धैर्य रखें, वो आपकी परीक्षा है। शांति रखोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। 8वें नंबर पे बात करूंगा साथियों, नौकरी। नौकरी का मतलब क्या होता है भाई? हाँ जी, नौकरी का मतलब हाँ जी होता है, ना जी नहीं होता। ना जी का मतलब तो घर ही होता है भाई। अगर कोई आपको कंपनी, आपका बॉस, आपका सीनियर आपको बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करो, और आपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए, तो अगला 2-4-5 दिन तो आपको सहन कर लेगा, फिर पता लगेगा एक दिन की रिजाइन लेटर आ गया, या फिर आपको कंपनी ने निकाल दिया, ऐसा होता है। 10 नंबर पॉइंट पे मैं बात करूंगा आपसे, आपका व्यवहार, आपकी भाषा, आपका रहन सहन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ईमानदारी, आपकी सहन शक्ति, आपका धैर्य। अगर आप में ये सब कुछ है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो जिंदगी में आपने सपना लिया है, जो आप चाहते हैं। मैंने आपको 9 पॉइंट 10 पॉइंट बताए, इस पॉइंटों को 100% अपने दिल में, दिमाग में उतार लें। आपको कोई चैलेंज नहीं करने वाला। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं ना, तो आप 100% झक है ना, आपकी जो सक्सेस है वो झक मार के आपके पास आएगी। आपका कंपनी में मान सम्मान बढ़ेगा, चाहे आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, चाहे आप विदेश में जॉब कर रहे हो, चाहे आप सरकार में भी जॉब कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप CI हैं, आप ASI हैं, आप कलेक्टर हैं, आप SP DSP, कोई भी आपके पास कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो, ये चीजें हर इंसान उस इंसान पे लागू होती है जो नौकरी करता है, समझ गए। अगर ये पॉइंट आपने अपना लिए तो 100% आपको सफलता कर पाने में कोई रोक नहीं सकता कोई बंदा। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो जिंदगी में आपने देखा है, आपने समझा, आपका परिवार आपसे उम्मीद करता है। तो शायद मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई आपको अच्छी लगेगी। ये खास तौर से विदेश जो जाते हैं उन भाइयों के लिए है, जो एजेंट को पैसा दे के ये सोचते हैं कि अपन ने तो पैसे दिए हैं, अपनी मन की मर्जी नहीं चलेगी भाई। ये यहाँ हो सकता है, विदेश में क्या घर से बाहर निकलते ये सब चेकड़ी है ना, साइड में रख के आराम से अपना जॉब करें, ताकि अपना करियर बना सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज इसी टॉपिक पर सही जानकारी, सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।